इंटेरोप्शन अब ये इंटेरोसेप्शन क्या है इंटेरोप्टिव सेंस क्या है इंटेरोप्टिव सिस्टम क्या है अगर मैं बात करूं कॉमेंट बॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रही थी प्लीज मैम मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग तो अब मैं इसको एक सीरीज में कवर करूंगी कि आ, क्या इंटेरोप्टिव सेंस होती है इंटेरोप्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम uh, आती हैं तो और कैसे हम इस पर वॉक कर सकते हैं तो ये पूरा एक सीरीज uh, के फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो स्टे ट्यून कीप वॉचिंग कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग हाय मेरा नाम ऋचा जैन है वेलकम बैक टू आर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सो इंटेरोप्टिव सिस्टम अगर मैं बात करूं दिस इज रिलेटेड टू योर सेंसेस सेंसेस क्या होती हैं हम लोगों ने ऑलरेडी के जी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं देर आर फाइव सेंसेस फाइव सेंसेस जिससे हम इनपुट लेते हैं देर आर ईयर आईज नोज टंग एंड स्किन तो दीज आर फाइव सेंसेस जो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और हमने भी पढ़ा है बट दीज आर आउटर सेंसेस आउटर ऑर्गन से रिलेटेड हैं जो मुझे uh, अभी रिसेंटली ही पता चला है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हमारा बॉडी एंड माइंड कॉर्डिनेटेड रहता है विद आर होल बॉडी मतलब हमारा जो पूरा फंक्शनिंग है वो इन थ्री सेंसेज पर डिपेंड करता है दे आर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस वेजिबुलर सेंस एंड इंटेरोसेप्शन पे मतलब बहुत सारी videos हैं तो I will not discuss much इधर यहां पर प्रोप्रियोसेप्शन की बॉडी अवेयरनेस खुद की बॉडी का अवेयर होना कि विदाउट लुकिंग एट योर हैंड आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं योर बॉडी अवेयरनेस ठीक है हाउ टू मूव योर बॉडी तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन वॉट इज वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड मूवमेंट कि आपने मूव हाउ टू मूव योर बॉडी एंड देन इन रिलेशन टू स्पेस हाउ टू मेक मेंटेन बैलेंस आपने मूवमेंट किया और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना लाइक आपने जम्प किया एंड वापस आप अपने फीट पे खड़े हो पा रहे हैं दिस इज वेस्टिबुलर और आपने जंप किया और आप गिर गए और फिर आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए और आप राइट स्ट्रेट पोजिशन में नहीं खड़े हो पाए तो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम वीक है सो दिस इज वेस्टिबुलर सेंस नाउ इंटेरोसेप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और टॉपिक इज इंटेरोसेप्शन वॉट इज दिस इंटेरोसेप्शन इंटेरोसेप्शन क्या होता है कि हम अपनी बॉडी की फिजिकल स्टेट को अंडरस्टैंड कर पाए हाउ आई एम फीलिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट दैट इज इंटेरोसेप्शन की मैं मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है मैं उसको फील कर सेंसेशन को दिस इज अबाउट सेंसेशन वो जो सेंसेशन है उसको फील करके सही से उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाऊं दैट इज इंटेरोसेप्टिव सिस्टम इंटेरोसेप्टिव सेंस और इंटेरोसेप्शन ठीक है अब सबसे बड़ी बात आती है इंटेरोसेप्टिव सिस्टम जो होता है दैट इज इंटरनल सेंसरी सिस्टम जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर वो ब्रेन तक सेंड करता है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को और अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करते हैं हम लोग ठीक है अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इंटेरोसेप्टिव सिस्टम के वो कहा होते हैं ठीक है वेयर आर दे लोकेटेड जैसे अगर मैं वेस्टिबुलर सिस्टम की बात करूं दैट इज इन आर इनर ईयर ठीक है वो इनर ईयर पे है तो इसी तरह से ये कहा होगा हमारी मसल्स में है ऑर्गन्स में है हमारी स्किन पे है ठीक है दिस इज इन टैरोप्टिव रिसेप्टर्स हमारी स्किन पे अवेलेबल है ऑर्गन में है एंड मसल्स दे आर एवरीवेयर ठीक है जिसकी वजह से हमें फीलिंग्स आती हैं ठीक है थीके? तो आई होप दिस इज क्लियर फीलिंग एंड होल बॉडी में ही है इन द मसल्स इन द स्किन इन द ऑर्गन तो जहां पर जो चीज जैसे फील करेंगे वो ब्रेन तक आ, सही तरीके से कम्युनिकेशन जाना चाहिए और फिर वो ब्रेन बॉडी पार्ट को इंडिकेट करेगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म करना है ठीक है तो दिस इज इन सिस्टम अब ये होता क्या है वॉट आर दीज फीलिंग्स अब कौन सी फीलिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो होती है लाइक like, आपको वॉशरूम जाना है तो आपको टेन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स पहले पता चल जाता है हाँ हल्का हल्का प्रेशर है आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम बट आई नो कि अभी मेरा पंद्रह बीस मिनट निकल जाएंगे तो योर इंटेरोसेप्टिव सिस्टम इज गिविंग यू मैसेज दैट आपको वॉशरूम जाना है बट अभी इतना प्रेशर नहीं है ठीक है अब वॉट हैपन्स की इन ऑटिज्म स्पेशली इन ऑर्टेज ये इंटेरोप्टिव सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से उनको ये सिग्नल्स ठीक है ये जो हम लोग बात करें ना बार बार ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं तो वो क्या होते हैं वो ब्रेन के सिग्नल डिलेड रहते हैं या सही नहीं जा पाते हैं जिसकी वजह से इशूज आते हैं अब उनको कब पता चलेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अब उनको एकदम फुल प्रेशर है तभी उनको रियलाइज होगा कि मुझे वॉशरूम जाना है अब इतनी देर में तो एक्सीडेंट हैपन मतलब हो गया अब दीज आर सेंसेशन आई एम टेलिंग अबाउट यू सेंसेशन एंड फीलिंग्स कि आप बॉडी में क्या फील कर रहे हैं दिस इज वन एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स के बारे में सो so दैट आपको क्लियर हो वॉट इज इंटेरोसेप्टिव सिस्टम और वो क्या क्या वर्क करता है ठीक है अब अभी क्या होता है हम लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं घूमते हैं राउंड्स ले रहे हैं तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं बट वॉट हैपन्स अगर मेरा बच्चा बहुत घूम रहा है उसने बहुत जोर जोर से जोर जोर से घूम रहा है स्पिन कर रहा है और फिर भी उसको चक्कर नहीं आने तो पावर है इतना घूम लिया इतने में तो मुझे चक्कर ही आने लग जाते तो ऐसा नहीं है दे ऑल्सो फील डिजी लेकिन उनको अः जो है इंटरसेप्टिव सिस्टम वीक है या प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन ने उनको सिग्नल नहीं दिया और वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो दीज आर द इश्यूज अब क्या हुआ Uh, मेरा बच्चा जो है बहुत देर से जंप्स कर रहा है मैं उसको फिजिकल वर्कआउट करा रही हूँ और इतनी देर में मेरी सांस फूल गई मैं बहुत थक गई हूँ बट वो एज इट इज ही एनर्जेटिक मतलब उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है यार आप एक घंटा से किसी को फुल फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं दे गेट टायर्ड थकान हो रही है बट इंटेरोप्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो दे कांट फील इट वो उनको अंदर बॉडी के अंदर फील ही नहीं हो रहा है कि वो थकान हो रही है या पसीना आ गया है तो वो फीलिंग्स नहीं है तो इसके एग्जाम्पल्स में आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ देखिए उनको क्या प्रॉब्लम होगा ठंडा गर्म जैसे बहुत सारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं मेरे बच्चे को यही नहीं पता चलता कि ठंडा है कि गर्म है गर्म चीज को भी टच कर देते हैं और uh, फिर उनको फील भी नहीं होता वो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा हमने टच किया और एकदम से उनको वो है ही नहीं गर्म चीज टच हो गई एंड आर ओके तो दिस इज ठीक है अब उनको ये नहीं पता चलेगा चोट लग गई है दे कांट फील इट प्रॉपरली दर्द हो रहा है बट दे कांट एक्चुअली फील इट और उनको ये नहीं पता है कि अब ये दर्द हो रहा है मुझे कैसे उस पर रिएक्ट करना है इससे क्या इश्यूज होंगे दे डोंट अंडरस्टैंड इट तो वो इंटेरोसेप्शन इशू है दे कांट एक्सप्लेन कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है या हो रहा है या नहीं हो रहा है दे कांट एक्सप्लेन इट ठीक है अब उनको प्यास बहुत लगी है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दैट आई एम थर्स्टी दे गेट इरिटेटेड और उनको अंदर वो फीलिंग एक्सप्लेन सेंसेशन समझ में ही नहीं आ रही है तो वो इरिटेट हो जाएंगे अग्रेसिव हो जाएंगे उनको एग्जाइटी होगी बट दे डोंट नो कि उनको पानी पीना है क्योंकि उनको वो थर्स्ट फील ही नहीं हो रही है अब मैक्सिमम अगर मैं केसेस में बात करूं इवन कृष्णव के साथ भी ये है कि आ, मैंने उसको एक चपाती खिला दिया ही फुल और उसके बाद क्या होगा उसके फादर खा रहे हैं और उसको कुछ अच्छा सा दिख रहा है कि मुझे बहुत पसंद है ही विल अगेन एट इट अब उसके दादू आए दादू कुछ खा रहे हैं और फिर उसको मतलब कुछ वही चीज है कि हाँ आई वॉन्ट टू ईट और अगेन ही विल इट तो उनको यही नहीं पता कि उनकी टमी कब फुल फुल हो गई है तो दिस इज इंटेर तो कब पेट भर गया है या कब भूख लगी है कई कई बार पेरेंट्स क्या कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा खाने को ही नहीं मांगता है मतलब इतनी देर हो गई यार मैंने सुबह दो बाइट खिलाई थी हार्डली उसने कुछ खाया था और अब पूरा टू ओ क्लोक हो गया है और ही इज नॉट थर्स्टी उसको भूख ही नहीं लगती है ऐसा नहीं है कि उनको भूख नहीं लगती है दे आर हंग्री बट उनको फील नहीं होता है ठीक है तो वो फील नहीं होता है उसकी वजह से दे डोंट से कि मुझे खाना दे दो या फिर उनको वो एक्सप्लेन नहीं करना आता तो दीज आर द इश्यूज अब और क्या होगा इसमें बाथरूम का मैंने आपको एक्सप्लेन किया ठंडे गर्म का चोट का अब वो फीलिंग्स फीलिंग्स आर रिलेटेड विद इमोशंस ठीक है अब उनको यही नहीं पता उनकी बॉडी के अंदर क्या फील हो रहा है दे आर हैप्पी और दे आर सैड उनको खुद के ही इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली वो सोशल क्यूज कि लोगों के साथ उन्हें कैसे कनेक्ट करना है हु इज हैप्पी और इज सैड या फिर वाई दे आर उन्होंने कुछ गिरा दिया चीज तोड़ दिया और सामने वाला एंग्री हो रहा है गुस्सा हो रहा है तो यार उनको अपनी ही बॉडी में नहीं समझ में आ रहा क्या हैपनिंग हो रही है वो दूसरे के एक्शंस अपने एक्शन से किए हुए दूसरे के रिस्पॉन्स इमोशनल रिस्पॉन्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे तो उनमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती खुद को लेकर और दूसरों को लेकर जिसकी वजह से उनके सोशल इश्यूज मतलब कम्युनिकेशन एंड सोशल इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग और राइट मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग सेंसेशन कि पेट में गुड़ 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 हो रही है मुझे भूख लगी है आई नो इट बट दे डोंट नो इट उनको नहीं समझ में आएगा ठीक है अब मुझे प्यास लगी है मुझे समझ में आ रहा है बट उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बिकॉज उनको फीलिंग्स नहीं आ रही है they can't feel anything in their body. Proper, जो feelings आना चाहिए वो नहीं है ये सारे इश्यूज रहते हैं जब इंटेरोसेप्टिव सेंस में प्रॉब्लम हो तो so, मैंने बहुत ट्राई किया है आपको एक एक इशू समझाने में कि ये सारी फीलिंग से रिलेटेड हैं और ऐसे ऐसे हैपनिंग होती है आई होप आई एम मेकिंग एवरीथिंग क्लियर कि आपको समझ में आ रहा है आई एम ट्राइंग लेवल बेस्ट सो सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेरोसेप्शन इश्यूज नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ इंटेरोसेप्टिव सिस्टम वर्क अब ये इशूज समझ में आए हमें इंटेरोसेप्टिव सिस्टम का काम समझ में आया अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये इंटेरोसेप्टिव सिस्टम काम करता है सो इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज और आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग आपको जो नॉलेज मिल रही है अपने आप तक मत रखिए और पेरेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उनको भी आ, बच्चों को मैनेज करना इज़ी हो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को समझना आसान हो सो कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग थैंक यू सो मच